हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बार दोबारा हमारे पास दोनों गाड़ियां अवेलेबल हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सुजुकी कल्टस और किया पिकांटो के कंपैरिजंस हैं, उसकी सीरीज़ चल रही हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि दोनों गाड़ियों के लेग स्पेस के वाले से थी, और उसके ऊपर काफ़ी सारे दोस्तों ने कॉमेंट्स किए जो अप्रिशिएट भी किया, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया कि यार वाकई जो किया पिकांटो है उसके जो लेग स्पेस को वैसे ही लोगों ने मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप दी हुई है कि इसका लेग स्पेस अच्छा नहीं है और इसको नेगेटिविटी में फैलाया जा रहा है। तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि आपने बहुत ही कोई गलत काम कर दिया है, सुजुकी कल्टस का जो लेग स्पेस है ये बहुत ज़्यादा है और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि किया पिकांटो से इस गाड़ी का लेग स्पेस कम हो। तो मैंने यही बताया था कि दोनों गाड़ियों का जो लेग स्पेस है वो सेम है, दोनों गाड़ियों का लेग स्पेस एक जितना है। तो आज की जो वीडियो है ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किया पिकांटो परचेज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप सुजुकी कल्टस परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे रेट शीट के वाले से। इस वीडियो के वाले से बात कर लें तो ना तो मुझे किया पिकांटो ने स्पॉन्सरशिप की हुई है, ना ही सुजुकी कल्टस ने स्पॉन्सरशिप की है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने जो एक्सपेरिमेंट हैं इन गाड़ियों को यूज़ करने के बाद बना रहा हूँ, ताकि आप दोस्तों को हेल्प मिल सके कि इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं और क्या चीज़ें नेगेटिव हैं। तो आज का जो मेथड होगा हमारा डिफरेंट होगा। जैसा कि मैंने अपने सारे सब्सक्राइबर से वादा किया था कि मैं दोबारा वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो ना आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज का जो मेथड होगा उसमें हम दोनों गाड़ियों की जो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट है उनको प्रॉपरली आगे लेके आएंगे, और फिर जो दरमियान में हम उसका लेग स्पेस चेक करेंगे, और इसी के साथ साथ हम दोनों गाड़ियों की जो बैक सीट है उसकी चौड़ाई भी चेक कर लेंगे कि किस गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा है बैक सीट की। तो आपको काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा वो आपको टाइमली मिल सकेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सुजुकी कल्टस से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सुजुकी कल्टस 2021 मॉडल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों जो सीट्स हैं हमारी वो इक्वली हैं, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड भी अभी सेट हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो अभी हम दोनों सीट्स को लेके आएंगे आगे और लास्ट तक लेके आएंगे, ये इसकी रेलिंग है, यहाँ तक लेके आएंगे इसको और देखेंगे कि हमारे पास जो पीछे गैप आता है उसकी मेजरमेंट क्या आएगी। तो अभी चलें ड्राइवर सीट को आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जिसकी रेलिंग है लास्ट पे है, यहाँ से आगे नहीं जा रही। तो अभी चलते हैं पैसेंजर साइड पे और उस सीट को भी आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही सीट्स जो हैं इक्वली बराबर के सामने आ चुकी हैं और ये लास्ट पोजीशन पे हैं, दोनों जो हैं ये लास्ट पोजीशन पे हैं। और अगर आप साइड की बात करें तो इस साइड से भी अगर आप देखें तो दोनों ही इक्वल हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने दोनों ही सीटों को एडजस्ट कर लिया है। तो अभी मेरे पास ये इंची स्टेप है, तो दोनों ही सीटों को हम दोनों तरफ जाके माप लेंगे। तो मैं जो इसका मेथड होगा दो तरह से होगा कि मैं पहले कॉर्नर से नाप लूँगा, फिर मैं मिड में से लूँगा, ताकि हमारे जो घुटने वगैरह आते हैं यहीं पर आते हैं। तो एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर सीट कवर भी चढ़े हुए हैं और उसके अंदर फोम भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको अच्छे तरीके से नाप ले लूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन या कोई डाउट ना रहे। तो अभी मैं चेक करता हूँ कॉर्नर से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है वो 44 सेंटीमीटर्स है, 44 सेंटीमीटर्स अगर आप देख सकें तो ये 40 है और यहाँ पे 44 सेंटीमीटर्स। और इसी तरीके से अगर हम मिड में से ले लें तो मैं इसको थोड़ा सा अंदर घुसा के फिर लूँगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो और ये ना कहें कि शायद हम अच्छे तरीके से चेक नहीं किया। तो इसको मैंने काफ़ी अंदर की तरफ किया है, मेरे पास जो यहाँ पर आया है वो 40 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो गैप आ रहा है 40 सेंटीमीटर्स है, मैंने इसको काफ़ी अंदर की तरफ पुश करके लिया है क्योंकि सीट कवर्स डले हुए हैं। तो चलिए अभी दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पे भी इसी तरीके से चेक करेंगे कि हमारे पास वहाँ पे मेजरमेंट क्या आती है। वैसे तो इक्वली होनी चाहिए मगर आपको कोई डाउट ना हो इसलिए मैं दोनों सीटों को चेक कर रहा हूँ। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम वही अडॉप्ट करेंगे अपना तरीका। अगर हम कॉर्नर्स की बात करें साइड पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आ रही है 44 सेंटीमीटर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 और ये 4, तो 44 सेंटीमीटर्स है। इसको मैंने अंदर की तरफ किया हुआ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। और अभी मिड में से भी देख लेते हैं, तो मिड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम 40 सेंटीमीटर्स है, 40 सेंटीमीटर दोनों सीटों के दरमियान में जो गैप है। तो अभी इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं इस सीट को भी और देखते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है उसकी मेजरमेंट क्या आती है हमारे पास। तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि सारी सीटों के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है लेदराइड और उसके अंदर फोम भी है। तो इसको चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे मेरे पास जो मेजरमेंट आ रही है 18 सेंटीमीटर है 18 सेंटीमीटर्स, तो इसके ऊपर फोम भी है, तो मेरे ख्याल से मे बी जो इसकी एक्चुअल बनेगी वो 18 से थोड़ी सी कम हो सकती है। बहरहाल हम इसी को कंसिडर करेंगे 18 सेंटीमीटर जो है ना सुजुकी कल्टस की जो बैक सीट है उसका उसकी जो चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर है। तो चलिए अभी यही तरीका हम अडॉप्ट करते हैं कि या पिकांटो की तरफ चलते हैं और इसी तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, फिर मैं आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा कि। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कि या पिकांटो की तरफ, तो अभी चेक करते हैं इसकी सीट को, और सीट को पहले आगे करेंगे दोनों सीटों को और फिर हम इसी तरह से मेजरमेंट करेंगे जैसे हमने सुजुकी कल्टस में की थी। तो अभी मैं इसको आगे ले आता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनल पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे है, इससे आगे सीट नहीं जा सकती है। तो अभी चलते हैं दूसरी तरफ और उस सीट को भी आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सीट को भी मैंने आगे कर दिया है, दोनों ही सीट्स जो है ना इक्वली हैं। तो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों सीटें जो हैं वो इक्वली हैं अगर आप इस डायरेक्शन में देखें और अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो दोनों ही सीटें इक्वली हैं। तो अभी चेक करते हैं दोनों सीट्स की मेजरमेंट बैक साइड से। तो अभी मेरे पास इंच स्टेप है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट क्या आती है। उसी तरीके से हम करेंगे जैसे सुजुकी कल्टस में किया था, पहले कॉर्नर से फिर मिड में से। तो यहाँ पर मेजरमेंट लेते हैं कॉर्नर से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है 44 सेंटीमीटर्स है। तो इसी तरीके से अब मिड में से चेक कर लेते हैं, और अगर यहाँ पे आप देखें मिड में से तो हमारे पास सुजुकी कल्टस में जो निकली थी मेजरमेंट वो 40 सेंटीमीटर्स थी, और यहाँ पे अगर देखें तो 39 और थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो आप कह सकते हैं 39 प्लस है। तो अभी चलते हैं हम दूसरी तरफ और वहाँ पे भी चेक कर लेंगे, और दोनों तरफ हम इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि आपको किसी किस्म का डाउट या इस चीज़ का ना रहे कि शायद मैं किया पिकांटो ऑन करता हूँ तो हम इस गाड़ी को नंबर दे रहे हैं या सुजुकी कल्टस को नंबर दे रहे हैं। तो दोनों ही गाड़ियों ने मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं की हुई है, ये मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आप दोस्तों के लिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके, जब भी आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहें तो आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो दोनों गाड़ियों की। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरी तरफ। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ और यहाँ पे भी देख लेते हैं हमारे पास क्या मेजरमेंट आती है। तो सेम 44 सेंटीमीटर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रही है कॉर्नर से वो 44 सेंटीमीटर्स है, और हमें सुजुकी कल्टस में भी यही मेजरमेंट मिली थी साइडों से 44 सेंटीमीटर्स। और अब मिड में से चेक कर लेते हैं, तो मिड में आप देख सकते हैं कि ये 39 प्लस है, थोड़े से पॉइंट्स ज़्यादा हैं। और अभी हम देखते हैं इसकी जो मिड वाली सीट है कि हमारी जो मिड वाली सीट है इसकी मेजरमेंट क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, किसी किस्म की दोनों गाड़ियों की तरफ हम बात नहीं कर रहे, इम्पार्शियल है। आप देख सकते हैं कि जो इस गाड़ी की चौड़ाई आई है बैक सीट की वो मेरे पास आई है 19 प्लस और तकरीबन 20 के पास जा रहा है। आपके पास ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि हमारे पास जो मेजरमेंट आ रही है वो 20 सेंटीमीटर्स है, और सुजुकी कल्टस में जो मेजरमेंट निकली थी वो 18 सेंटीमीटर्स थी। तो अभी मेरे ख्याल से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि ये सीट थोड़ी सी बड़ी है कि या पिकांटो की एज़ कम्पेयर टू सुजुकी कल्टस। और अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों के लेग रूम की तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, वो भी इस सीट की चौड़ाई की वजह से। तो फ्रेंड्स लास्ट में जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही गाड़ियों के हमने मेजरमेंट की, दोनों ही गाड़ियों की जो फ्रंट सीट्स हैं उसको हम प्रॉपरली आगे लेके लास्ट तक जहाँ तक रीलिंग है उसकी, और उसके बाद हमने मेजरमेंट ली दोनों गाड़ियों में और हमने अच्छे तरीके से चेक किया ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे दोनों गाड़ियों में। तो हमने पहले साइड से चेक किया और उसकी मेजरमेंट देखी और फिर हमने मिड में से चेक किया। सुजुकी कल्टस की जो हमारे पास साइड्स पे मेजरमेंट आई थी वो 44 सेंटीमीटर्स थी, और जब हमने मिड में से चेक किया तो वो 40 सेंटीमीटर्स निकली। इसी तरीके से हमने जब किया पिकांटो को चेक किया तो साइड में से 44 और जब हमने मिड में से किया तो 39 सेंटीमीटर्स और कुछ पॉइंट्स ज़्यादा थे, मगर हम इसको कंसिडर करते हैं 39 सेंटीमीटर्स। और इसी तरीके से दोनों गाड़ियों की जो सीट है बैक वाली उसकी चौड़ाई की अगर बात कर लें तो सुजुकी कल्टस की जो चौड़ाई थी हमारे पास वो 18 सेंटीमीटर थी,
और किया पिकांटो की जो हमारे पास चौड़ाई आई थी सीट की, बैक सीट की, वो 19 प्लस थी और तकरीबन 20 थी, अगर आप देख सकें 20 थी, मगर मैं 19 कंसिडर करूँगा ताकि आप ये ना कहें कि ये मेरी गाड़ी है। तो अगर आप कंपेयर करें दोनों ही गाड़ियों का लेग स्पेस, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस गाड़ी का अगर बूट स्पेस ज़्यादा हो सकता है, अगर इस गाड़ी का 2.54 लीटर बूट स्पेस हो सकता है, तो फिर इस गाड़ी में कितनी स्पेस पीछे बच सकती है, और अगर इस गाड़ी का 200 बूट स्पेस हो सकता है तो इसमें कितनी स्पेस बच सकती है। तो दोनों ही गाड़ियों की जो लेंथ है ओवरऑल, इस गाड़ी की सुजुकी कल्टस की जो लेंथ है वो 3600 mm है, और अगर हम किया पिकांटो की बात करें तो 3595 mm है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि दोनों गाड़ियों का अगर बूट इसका ज़्यादा है और इसका कम है तो पीछे जगह क्या बचती है इस गाड़ी में। तो ये जो वीडियो थी ये आपकी सारी कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के लिए थी कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि सुजुकी कल्टस का जो लेग स्पेस है और किया पिकांटो का जो लेग स्पेस है, दोनों का लेग स्पेस सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी देख सकते हैं, और इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इस गाड़ी में अगर बूट स्पेस ज़्यादा है तो पीछे जगह क्या बचती है, तो उसका लेग स्पेस कितना होना चाहिए। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपैरिजन के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।